हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पर्वत गाथा चैनल में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ क्लिफ एंड कैफ़े। तो आइए देखते हैं कैसा है कैफ़े और कैसा है यहाँ का खाना। दोस्तों, यह कैफ़े थानों से थोड़ा आगे चलने पर भोगपुर की तरफ जब आप चलेंगे तलाई नमक जगह पर पड़ता है। क्लिफ एंड कैफे जो कि थानों से आगे गांव पड़ता है। किस तरह छोटे छोटे डॉगी अभी मेरा मतलब। तो क्लिफ एंड कैफ़े में हम यहाँ पहुँचे। हमने यहाँ पिज़्ज़ा मंगाया, मिक्स रायता, तवे की रोटी, फ्राई दाल, जीरा आलू एंड राइस, जीरा राइस, और बर्गर भी हमने कहा यहाँ का टेस्ट करके देखें और आगे अभी आपको बताते हैं कि यहाँ का खाना हमें कैसा लगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए ये कितना प्यारा डॉगी। ये छोटा डॉगी है और ये इनकी मम्मी है। ये देखिए, ये दो डॉगी यहाँ पर है, दो फीमेल डॉगी हैं। प्यारा सा डॉगी क्लिफ एंड कैफे में। और ये पूरा क्लिफ एंड कैफे का व्यू। तो दोस्तों, खाना यहाँ का वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था। इको पार्क थानो रेंज तेरा रूम वन प्रभाग। आप देख सकते देखिए हम पहुँचे इको पार्क में, जो कि क्लिफ एंड कैफ़े के पास में ही है। जस्ट थानो रेंज के अंतर्गत ये आता है। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये इको पार्क यहाँ पर बनाया हुआ है। बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये। देखिए झूले वूले लगे हुए हैं। देखिए कुछ बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस पार्क में। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ इस तरह से झूला झूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा पार्क है यहाँ पर ये। तो आप देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ काफ़ी पुराना आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए कैसे, ये देखिए इसकी जटाएं, ये देखिए बहुत ही सुंदर इको पार्क है। बोल रही है फौजी लग रहा है ये। देखिए ये कनेर के पेड़ से जो फल है, ये कैप है, ये ऊपर कैप है, हाँ बताओ। और ये आईज है, और ये देखिए ये फौजी लग रहा है।
बस ये बताऊँ, फौजी नहीं, मुझे तो ये वो ज़्यादा लग रहा है, स्केयरक्रो, जादू जादू, ये देखो दूध इसमें से बहुत सारे कनेर के पेड़ पे आप देख सकते हैं ये फल लगे हुए हैं। तो इस तरह से पुराने ज़माने में लोग कोई फौजी बनाता था, कोई कुछ करता था। और ये आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे खेल रहे हैं। सामने मचान भी बनाया गया है इको पार्क में। जाना माना है उस पर चढ़ना माना है। चढ़ना क्यों है?